तो की हाल चाल सस्त्रीकाल, मैं हूं न्योन मैन। और भाई आज का फर्स्ट स्टोरी हम लोग का काफी सीरियस है। ये स्टोरी है अबाउट अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार एक यूट्यूबर के अगेंस्ट एक 500 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल कर चुके हैं। तो हुआ क्या, मैं आप लोग को शॉर्ट में बताता हूं। आज ही बहुत सारे आर्टिकल्स आए जिसमें ये लिखा हुआ है, अक्षय कुमार फाइल्स ₹500 करोड़ डिफेमेशन सूट अगेंस्ट यूट्यूबर हु क्लेम्ड ही हेल्प्ड रिया चक्रवर्ती एस्केप टू कनाडा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो यूट्यूबर कौन है। उनका नाम है राशिद सिद्दीकी एंड ही ओन्स अ चैनल नेम्ड FF न्यूज। तो हुआ कि इस यूट्यूबर ने अक्षय कुमार के अगेंस्ट कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे। जैसा कि एक आपने अभी सुनाई, एक वीडियो में वो बोले थे कि अक्षय कुमार रिया चक्रवर्ती को हेल्प कर रहे टू एस्केप टू कनाडा एंड और भी कुछ चीजें उन्होंने कहा था अक्षय कुमार के अगेंस्ट विच वर फॉल्स। तो इसीलिए अक्षय कुमार उनके अगेंस्ट एक डेफामेशन केस फाइल कर दिए हैं। ऑल्सो एक और चीज इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इन दीज 4 मंथ्स राशिद सिद्दीकी रिपोर्टेडली अर्नड अराउंड 15 लाख रुपीज एंड उन्होंने 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स भी गेन किया था। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनको एंटीसिपेटरी बेल मिला हुआ है कोर्ट से एंड उनको इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोऑपरेट करने को कहा गया है। सो इस सिचुएशन में आपका क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आमिर सिद्दीकी के बारे में। तो आमिर सिद्दीकी के रिसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे किसी ने ये कमेंट करके पूछा, भाई कैरी मिनाटी के साथ कब कोलैब करेगा। उन्होंने रिप्लाई किया नो। सो इफ यू डोंट नो, वो रिसेंटली साइमन सेज के साथ कोलैब किए थे। तो आई थिंक वही देखने के बाद कुछ लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि वो कैरी के साथ कभी कोलैब करेंगे कि नहीं। आपने उनका रिप्लाई सुनी लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं बीस्ट बॉय शुभ के बारे में। तो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बीस्ट बॉय शुभ का चैनल हैक हो गया था। उनका चैनल वापस तो आ गया था विद इन अबाउट 2 डेज, बट ये हैक हुआ कैसे था इसके बारे में उन्होंने फाइनली अपने चैनल में बताया। तो हुआ क्या कि उनको एक गेम से ईमेल आया था कि ये है गेम का अर्ली एक्सेस, आप इसको ट्राई कर सकते हो एंड उसके साथ एक ड्राइव का लिंक मिला था उनको। उनको पहले से ही थोड़ा सा शक था कि कुछ गलत हो रहा है क्योंकि गेम्स ड्राइव का लिंक नहीं देते एंड उसके बाद क्या हुआ आप लोग तो जानते ही हो। सो एनीवेज उनके वीडियो से एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। मैंने किसी भी फालतू के लिंक पे क्लिक नहीं करा, मैंने अपनी मेन मेल आईडी से कहीं पे भी लॉगिन नहीं करा। मेरे को 100% श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन एक शक है उसकी बात करते हैं। मेल आया था मेरे पास किसी गेम का और वो गेम काफी अट्रैक्टिव थी, हॉरर गेम थी। ऑब्वियसली मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ हॉरर गेम्स की तरफ। तो यार मैंने उनसे बोला था कि मैं इस गेम को खेलने के लिए तैयार हूँ। लाइक कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं थी वो, बस मेरे को वो लाइक उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि आप ये गेम ट्राई करो एंड आई वाज लाइक श्योर व्हाई नॉट, लाइक अच्छी गेम है, हॉरर गेम है, मजा आएगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, लेट्स गो। तो उन्होंने मेरे को ड्राइव पे फाइल भेजी। तो उस टाइम पे मुझे शक हुआ कि नहीं, मैं ऐसी किसी ड्राइव की फाइल पे क्लिक नहीं करूंगा एंड मैंने उनसे स्टीम की मांगी कि जब तुम्हारी गेम स्टीम पे है तो जस्ट गिव मी अ स्टीम की ना, इतना ईजी है। फिर उन्होंने दुनिया भर के बहाने मारे कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी वो अर्ली फेज में है और फलाना ढिकड़ा। एंड लिटरली मेरा शक इतना हाइपर लेवल पे चला गया था कि नहीं शुभम, नहीं, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस भाई, ये बेकार है। बस मैंने वो स्टेप्स ले लिए और मैंने इंस्टॉल करा, उसका सेटअप फाइल खोला एंड कुछ भी नहीं हुआ। तो उस टाइम मैंने दिमाग में, मेरे जो बड़े दिमाग है ना, जो बड़ा दिमाग है, उसने सोचा क्यों ना मैं अपना सिक्योरिटी जो है वो डाउन कर दूं, मे बी वो सिक्योरिटी जो है वो इंस्टॉल नहीं होने दे रहा फाइल। या मेरे में बहुत ज्यादा दिमाग है मुझे पता है। तो मैंने वो सिक्योरिटी ऑफ करी एंड मैंने वो सेटअप दोबारा चलाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एंड रात को मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आता है, शुभम भाई साहब आपका चैनल हैक हो गया, लाइव स्ट्रीम चल रही है, दबा के। एंड टॉकिंग अबाउट हैक्ड चैनल्स, एक काफी बड़ा चैनल विद ओवर 400 के सब्सक्राइबर्स जिसका नाम है गणेश जीडी, वो हैक हो चुका है। पहले तो उनका चैनल का नेम चेंज हो गया, फिर एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हुआ एंड अब उनका चैनल दिख ही नहीं रहा है। आई होप उनको अपना चैनल जल्द से जल्द वापस मिल जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं श्रेय वाईटी के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बताया था आप लोग को कि उनके चैनल में 2-3 स्ट्राइक्स आ गए थे एंड उनमें से एक स्ट्राइक ज्ञान गेमिंग की तरफ से आया था, भले गलती से आया था बट आ गया था। आज वो अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किए, ज्ञान गेमिंग ने अपने तरफ से एक स्ट्राइक हटा ली है, चैनल इज सेफ नाउ। तो जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्राइक हट जाएगा, कुछ वैसा ही हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले एक और सॉन्ग के बारे में जिसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया है। ये गाना का नाम है लहंगा बाय जस मानक एंड ये तो भाई काफी जल्दी 1 बिलियन हिट किया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं अगस्त 2019 में ये अपलोड हुआ था एंड करेंटली अभी नवंबर चल रहा है, तो अराउंड 1 साल 3 महीना के अंदर ये कंप्लीट कर लिया 1 बिलियन व्यूज। सो कांग्रेचुलेशंस टू देम। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन सिमरन धनवानी ने कंप्लीट कर चुकी है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन वॉन्डरर्स हब ने भी कंप्लीट कर चुकी है 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन मिस्टर इंडियन हैकर ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली IM बिक्सू को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं YouTube रिवाइंड के बारे में। तो अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि YouTube ने बता दिया कि इस साल YouTube रिवाइंड
2020 उनके तरफ से नहीं आएगा। अब इसका रीजन आपको जानना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। बट टॉकिंग अबाउट YouTube रिवाइंड, मिस्टर बीस्ट ये कहे, सिंस यूट्यूब इज इंट मेकिंग अ रिवाइंड दिस ईयर, आई एम गोइंग टू, इफ एनी अदर क्रिएटर्स वॉन्ट टू हेल्प जस्ट रिप्लाई, आई एम गोइंग टू नीड इट। इसका मतलब मिस्टर बीस्ट अपना एक यूट्यूब रिवाइंड बनाएंगे। एंड आपको तो पता ही होगा मिस्टर बीस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब क्रिएटर्स, तो आई एम प्रीटी श्योर जो भी वो यूट्यूब रिवाइंड बनाएंगे उसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स फीचर होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लोगन पॉल के बारे में। तो अराउंड एक दो महीना पहले कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि एक बॉक्सिंग मैच होने वाला है बिटवीन लोगन पॉल एंड फ्लॉयड मेवेदर। अगर आप फ्लॉयड मेवेदर को नहीं जानते हो तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉक्सर्स एवर एंड उनका रिकॉर्ड है 50-0, दैट इज वो एक मैच भी अपने करियर में नहीं हारे। तो यही कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि ये मैच होने वाला है। तो फाइनली फ्लॉयड अपने ट्विटर में ये कहे, दीज यूट्यूब गर्ल्स बेटर फाइंड सम बार्बी डॉल्स टू प्ले विद, बिकॉज़ आई एम नॉट द वन फॉर द किड गेम्स। 3 years ago a fighter from the UFC said my name and I had to put a muzzle on him. Logan Paul can get some treatment before I go conquer Japan again. इस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए लोगन पॉल ये कहे 50-1, जहां पे वो सिग्निफाई कर रहे हैं कि अगर इन दोनों के बीच में मैच हुआ तो वो मेवेदर को हराने वाले हैं। नाउ ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज इम्पॉसिबल, लोगन पॉल KSI को नहीं हरा पाए तो वो मेवेदर को कैसे हरा पाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवेज चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आपकी पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।